दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, शानदार व्यू देखने को मिला, इसलिए मैंने गाड़ी रुकवा ली। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, ये व्यू देखिए आप, कितना शानदार व्यू है। एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़। वेलकम टू चंडीगढ़ दोस्तों, पार्ट टू में आपका स्वागत है। और हम जा रहे हैं शिमला, और चंडीगढ़ से आपको शिमला कैसे जाना है आज के इस टूर में आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना पूरा, पार्ट वन नहीं देखा तो जाके देखें, स्क्रीन पे आपके पास वीडियो आ रही है, आई बटन में वीडियो है। और अभी ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन, आप देख रहे हैं बन रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, पूरा काम चल रहा है देखिए। और अभी भैया बहुत ज़्यादा ठंड है, तो इन भैया से मैं पूछ लेता हूँ एक बार। भैया चंडीगढ़ से शिमला जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? टैक्सी लेनी पड़ती है, होटल गाड़ी सब आपको उसमें होता है। अच्छा, गाड़ी भी जाती है? गाड़ी जाती है, ट्रेन में जाने के लिए ट्रेन जाती है, उसकी बुकिंग करानी पड़ती है। अच्छा, मतलब चंडीगढ़ से पहले कालका जाना पड़ेगा? कालका जाना पड़ता है, उसके लिए बुकिंग करनी पड़ती है, उसकी बुकिंग होती है, छोटे छोटे डब्बे होते हैं उसके, तो बुकिंग पहले की जाती है। अच्छा अच्छा, मतलब पहले यहाँ से कालका जाओ, कालका से फिर शिमला जाओ। अच्छा अच्छा, तो बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का, इस तरह का ये चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है, इधर देखा आपने। और ये मेरे साथ जो दोस्त वगैरह आए थे, फ्रेंड वगैरह, ये बैठ गए सब, मेरा लगेज सही, ये दोनों इधर बैठ गए। चलिए भैया, चलो चलो सर, चलो आ जाओ। भाई गजब का सीन हो गया, जैसे ही हम चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे, दो ट्रेवल एजेंट हमें मिले जो अपने ऑफिस हमें लेकर जा रहे हैं। हम गए, अब देखते हैं 6 जनों का कितना बजट बैठता है। वीडियो के एंड में आपको बता देता हूँ मनाली, कुल्लू और शिमला का बजट। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, चंडीगढ़ से मनाली और शिमला का टूर आप कैसे बुक कर सकते हैं, मैं बुक कर चुका हूँ जर्नी ऑफ हिमालय से, और मेरी गाड़ी आ चुकी है आप देख सकते हैं, और गाड़ी के नंबर भी आप देख सकते हैं, और हमारे बुकिंग की है मैंने भैया के साथ, है ना, और हमारा सामान हमने रख दिया है। आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ कि कैसा व्यू होने वाला है, पहाड़ों के ऊपर से हमारी गाड़ी जाएगी, पूरी बर्फ़ की वादियाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये भैया हमारे सामान को रख रहे हैं, हमारे साथ ड्राइवर साहब होने वाले हैं। जी सर। तो ड्राइवर साहब कहाँ कहाँ घुमाने वाले हो आज? आज शिमला। तो आपका नाम बता दो पहले। मेरा नाम पवन कुमार है सर। पवन कुमार जी के साथ हम घूमेंगे आज, और पवन कुमार जी ने हमारे सूट के ऊपर रख दिया आप देख लो। और ये मेरा दोस्त आगे बैठ गया है, बाकी ये 7 सीटर है, लगभग 8 लोग बैठ जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों मनाली और शिमला के लिए आइए। तो दोस्तों रवाना हो चुके, तो बोलिए जय श्री श्याम। क्या बात है, जय श्री श्याम। तो हमारे भैया के साथ, भैया आपका नाम क्या बताया था हमने? पवन कुमार। तो पवन कुमार जी थोड़ा पहाड़ की वादियों से थोड़ा धीरे धीरे लेना। कोई नहीं सर। और आप भी यदि जाते हैं ड्राइवर को लेके, तो उनको बोलना कि अच्छे से गाड़ी चलाए, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी बन्ना जी हमारे आगे बैठ चुके हैं, और आप देख सकते हैं काफी शानदार व्यू चंडी। तो ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए इतना जरूरी है कि आपका कितना खर्चा लगने वाला है मनाली और शिमला के टूर में, रहने का खर्चा कितना लगेगा, खाने का खर्चा कितना लगेगा, टोटल खर्चा बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। हम 6 लोगों का कितना खर्चा आने वाला है, आप कौन कौन सी जगह घूम सकते हो मनाली में और शिमला में, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, नॉलेज वाली वीडियो है, बाद में प्रॉब्लम आएगी आप जब शिमला मनाली आएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से देख कर आओगे ना, तो सारा नॉलेज आपको मिल जाएगा, तो बाद में किसी दूसरे की वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए चलते हैं मनाली एंड शिमला। यह है मेरे दोस्त, और सबकी एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी ड्राइवर साहब के साथ मनाली और शिमला पहुंच जाए। यह है बन्ना जी, यह सबसे छोटा बच्चा हमारा। कितने खूबसूरत नज़ारे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, जिन्हें हम फिल्मों में देखा करते थे आज आंखों से देख पा रहे हैं। एक उम्मीद है कि जल्दी जल्दी हम स्नो देखें, बर्फ़ देखें, लेकिन भैया यहाँ तो धूप है, चलिए देखते हैं हमें स्नो मिलती है नहीं मिलती है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, शानदार व्यू देखने को मिला, इसलिए मैंने गाड़ी रुकवा ली। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, ये व्यू देखिए आप, कितना शानदार व्यू है। एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, बीच में से जा रही है रोड, देखिए एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर, बीच में से जा रही है रोड, शानदार व्यू है हिमाचल प्रदेश का। शिमला जा रहे हैं दोस्तों, अभी रास्ते में गाड़ी रोकी हमने, और व्यू देखिए आप भाई, हिमाचल प्रदेश की रोड, पूरे हिमाचल प्रदेश की गाड़ी। और मैं आपको दिखाता हूँ हिमाचल प्रदेश के हमारे भैया, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। और हिमाचल प्रदेश के हमारे अंकल, टाटा कर दो अंकल, टाटा। ये हिमाचल प्रदेश की वादियाँ,
देखिए वादियाँ, मजा आ गया। भाई पहाड़ों पे घर देखा आपने? पहाड़ों पे घर देखो आप, ऐसा लगेगा भाई ऊपर से नीचे सड़क पे घर गिर जाएगा। पहाड़ों पे घर भाई, ये है शिमला की ब्यूटी, ये है मनाली की ब्यूटी। इसे बोलते हैं शिमला मनाली, एक बार आओ यार मजा आ जाएगा। जन्नत है जन्नत, ये देखिए भाई जन्नत है। जो घर पे बैठा है ना उसको तो आना चाहिए शिमला मनाली, क्यों भाई? बिल्कुल यार, देखो यार भाई ऐसा लग रहा है हवा में घर है, लहरा रहे हैं, लेकिन मजा आएगा। एक बार देखिए आप ये बिल्डिंग देखिए, मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ गौर से, ये बिल्डिंग देखिए भाई साहब शानदार। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप शिमला में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, तो सबसे बेस्ट जगह बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आती है फर्स्ट नंबर संकट मोचन, आपको जाना है। उसके बाद जाना है द रिज मॉल रोड, मॉल रोड पे आप शॉपिंग कर सकते हैं। आपको शिमला के कुछ ऐसे वुडन आइटम्स मिल जाएंगे खरीदने के लिए, शिमला की आपको क्लॉथेस ड्रेसेस मिल जाएगी। और जाखू टेम्पल जो कि फेमस है शिमला का, वहाँ जा सकते हैं। फोटोज आप सामने देख सकते हैं स्क्रीन पर। और लक्कर बाजार, लाल डेरा जा सकते हैं आप, कुफरी जा सकते हैं, लक्कर बाजार। लक्कर बाजार का मतलब होता है लकड़ी की, जो लकड़ी का आइटम मिलते हैं, लकड़ी के आइटम आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और कुफरी फन वर्ल्ड, और सबसे बेस्ट बता दो कुफरी में एक जू है दोस्तों, वहाँ पे आप जाके आना, वो शानदार जू है। और ग्रीन वैली के नाम से भी एक जगह है, तो बहुत बेस्ट है। और हिमालयन नेचर पार्क, हिमालयन नेचर पार्क बहुत शानदार है, जो नेचुरल पार्क है, आप जाके आना मज़ा आएगा। आपको फोटोज आपने देखा, और आपको हर जगह मैं लेकर जाऊँगा, और ये पूरा भैया हमें घुमाएंगे, और आपको मैं अभी घुमा ही रहा हूँ, चलिए चलते हैं। दोस्तों हम शिमला पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हमने गाड़ी रोक ली, क्योंकि आपको मैं एक बात बताता हूं, यदि आप पहली बार आ रहे हैं या दूसरी बार आ रहे हैं तो आपको थोड़ा चक्कर सा आएगा, सर घूमेगा, सर दर्द भी हो सकता है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार गाड़ी से बाहर निकलते हैं। और यहाँ पे नींबू भी बहुत महंगा है। अंकल जी एक नींबू कितने रुपये का है हमें? 10 रुपये का मिलेगा आपको, 10 रुपये का मिलेगा कम से कम। और आपको बता दूं, और इधर गन्ने का जूस भी बहुत महंगा है, गन्ने का जूस भी देखो बहुत महंगा रहता है। भैया गन्ने का जूस कितने रुपए का यहाँ? 30 रुपये का। 30 रुपये का। और संतरे का? 50 रुपये का। क्योंकि यहाँ पे ऊपर लाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्यों? और बाकी हम ये गाड़ी से, इसी गाड़ी से जा रहे हैं, आपको पता है। और यहाँ से मैं आपको बता दूं यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाली है, 100 किलोमीटर कम से कम ऊपर गाड़ी जाएगी। तो भैया खाने पीने का आइटम नींबू साथ में रखना, क्योंकि चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, तो अपना इनो वगैरह साथ में लेकर चलना भाई, ध्यान रखना थोड़ा अपना, है ना। इसलिए मैंने गन्ने का जूस बनवाया। और टेस्टी अच्छा, यहाँ का गन्ना मेरे को अच्छा लगा, शिमला का, हिमाचल प्रदेश का। थैंक यू भैया। मजा आया दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि शिमला में हमें लग गई भूख, और हम साथ में लेकर आए भैया प्याज टमाटर, और चक्कू तो मिल गया हमें अंकल जी से, सॉरी मिल गया, बाकी ये नींबू हमें मिला 5 रुपये का आधा कटा हुआ, क्योंकि यार थोड़ा मुश्किल होता है शिमला में माल लेके आना ऊपर, तो महंगा मिलता है। बाकी हम नमकीन लेके आए, भेलपूरी बना के खाएंगे। ये देखो नमकीन भाई साहब, नमकीन क्या खा रहे भाई साहब आप? हद हो गई यार। चलो आपको नमकीन खाने के बाद मिलते हैं, टेस्ट बता रहे हैं भैया। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं शिमला, और ये हमारी होटल है, देख सकते हैं पीछे हमारी होटल है, और ये कैब थी हमारी। आपने पूरा सफ़र एंजॉय किया होगा, अगले वीडियो में आपको एंजॉय कराने वाला हूं, पूरा होटल का रिव्यू देने वाला हूं, होटल दिखाने वाला हूं, क्या इसकी रेट है, कितना फेयर पड़ता है हमारे, कितने रहने का खर्चा है, खाने का क्या खर्चा है, और कौन कौन सी जगह हम घूमने वाले, सारे कवर करेंगे अगले पार्ट में। देखना वीडियो बड़ी ना हो जाए, इसलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। आपने सारे एपिसोड नहीं देखे तो जाके देखें, यहाँ पे वीडियो आ रही है। बाय बाय, टेक केयर।